नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित, आपका दोस्त और आपका होस्ट। वेलकम टू माय चैनल रिव्यूअर्स। आज हम बात करेंगे 2021 टाटा नेक्सन XZA प्लस मॉडल की। ये कार अभी बहुत अच्छा कर रही है मार्केट में। लास्ट मई में ये टॉप 3 में रही अपने सेगमेंट में। तो 2021 में क्या चेंजेस है इस कार में, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। स्मार्ट रिस्टमेंट मिल जाता है आपको, जिससे आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कार को फ्रंट से देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा SUV लुक देती है, और एक बोल्ड और एक मस्कुलर सा लुक देने वाली कार लगती है सामने से। बाकी अगर इस सेगमेंट में बाकी कार भी देखें तो मेरे को तो सब बाकी की सारी कारों का फ्रंट लुक उतना ही अच्छा लगता है, चाहे आप ब्रीज़ा ले लो या फिर सोनेट ले लो या वेन्यू ले लो। स्मार्ट की मिल जाती है 4 बटन के साथ, लॉक अनलॉक और बूट ओपन, और ये चौथा बटन है जो फॉलो मी होम लैंप, जिससे अगर गाड़ी आपके अंधेरे में खड़ी हो तो आप लाइट जला के गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। DRLs आपको जो मिल जाते हैं वो LED में मिल जाते हैं, और जो लाइट्स है वो हेलोजन प्रोजेक्टर में, फॉग लैंप भी हेलोजन में मिलेगा आपको। और ये बड़ी सी पियानो ग्रिल मिल जाती है, बीच में टाटा की बैजिंग, नीचे क्रोम ग्रिल, क्रोम का बार मिल जाता है। नीचे चले तो ये टी शेप एरो पैटर्न मिल जाता है, जो टाटा का सिग्नेचर पैटर्न है। आजकल टाटा की हर गाड़ी में ये पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो दोस्तों, 2021 में जो इसका ये अलॉय व्हील्स का पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया है। ये ज़्यादा अच्छा लगता है पुराने वाली नेक्सन से, ये एक मेजर चेंज है 2021 में। और जो टायर की साइज़ है 215/60, R16 इंच का टायर आपको मिल जाता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाएंगे। तो ये ब्लैक कलर में आपको इंटीग्रेटेड ORVMs मिल जाते हैं, विद टर्न इंडिकेटर्स, ऑटो फोल्ड और ऑटो ओपन की फीचर रखते हैं ये। गाड़ी लॉक होने पे ऑटो ओपन और ऑटो क्लोज हो जाएंगे लॉक अनलॉक करने पे। तो दोस्तों, ये वाइट कलर की स्ट्रिप है, ऑल अराउंड मिल जाएगी आपको फोर्थ साइड में। डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, नीचे डोर गार्ड, और 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है नेक्सन आपको, और जिसका व्हील बेस आपको 2498 mm का मिल जाता है। ये इसका साइड प्रोफाइल, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ। तो दोस्तों, बैक प्रोफाइल से लुक काफ़ी पोलराइजिंग है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं। ऊपर इसके शार्कफिन एंटीना मिल जाता है, हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, रियर वाइपर, टाटा की बैजिंग, नेक्सन, और आपको पीछे का रियर कैमरा मिल जाता है। ये पार्किंग सेंसर, अभी आप उसकी लाइट्स देख सकते हैं, बैक लाइट्स LED में मिल जाती है, नंबर प्लेट की लाइट भी वाइट है इसमें। रिफ्लेक्टर भी आपको सेम पैटर्न मिल जाएगा जो आगे था, सी शेप का पैटर्न। आप खोलते हैं इसका बूट और देखते हैं कि कितनी स्पेस ऑफर करता है। तो आपको इसमें 350 लीटर का बूट ऑफर करती है नेक्सन। यहाँ पे लैंप मिल जाता है और दो हुक मिल जाएंगे, ये कारपेट कंपनी की एक्सेसरीज में आया था।
और ये दो हुक इधर भी मिल जाते हैं। अब देखते हैं इसका रियर टायर स्पेयर व्हील। तो स्पेयर व्हील आपको सेम साइज़ का मिल जाता है, ये अच्छी बात है। बट ओनली थिंग ये स्टील में मिलेगा, बीच में जो भी जैक और सबकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छे से की गई है। अब बूट करते हैं बंद। ग्रैब हैंडल दिया हुआ है जिससे आप बूट को आराम से क्लोज़ कर सकें। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें 60-40 स्प्लिट आ जाता है। तो अगर 60-40 स्प्लिट करने के बाद आपको एक बहुत बड़ा बूट मिल जाता है 600 लीटर का। ये इसका फ्यूल टैंक जिसकी कैपेसिटी 44 लीटर की है। जो वाइट कलर का एलिमेंट ऑल ओवर राउंड करता है। अब आ जाते हैं गाड़ी की फ्रंट की तरफ। अब चलते हैं इसकी इंजन यूनिट की तरफ। साइड से काफ़ी अच्छा इंसुलेशन दिया गया है। इसका जो इंजन है 1199 cc का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन आता है, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज, जो 118 bhp की पावर और 170 nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। कंपनी क्लेम करती है 16 km/h का माइलेज। AMT6 गियर में मैनुअल ओवरराइड के साथ आता है ये गियरबॉक्स। इंसुलेशन काफ़ी अच्छी दी गई है हुड पे। केबिन काफ़ी साइलेंट रहेगा इससे। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ। अब आ गए हम गाड़ी के पीछे। एक क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, ग्रैब हैंडल पियानो फिनिश में। तीन कलर का ये डोर बड़े अच्छा सा दिखता है। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। ये गाड़ी का दूसरा डोर, दो एड्रेस मिल जाएंगे, पीछे एड्रेस नहीं मिलता है। दोस्तों तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। तो ये कप होल्डर मिल जाता है आपको, ठीक ठाक सी क्वालिटी लग रही है इसकी। पीछे दो AC वेंट, चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया है पीछे। बैठने में सीट काफ़ी कंफर्टेबल लगी है और इस स्पेस का भी कोई इशू नहीं आने वाला है। आगे काफ़ी लेग रूम और ऊपर अच्छा हेड रूम देगी नेक्सन आपको। दोस्तों ये गाड़ी का डैशबोर्ड, और अगर मेरी बात मानो तो इस सेगमेंट में नेक्सन से अच्छा इंटीरियर कोई ऑफर नहीं करता है। सही में इट्स वन ऑफ द बेस्ट। इंटेलिजेंट टच लाइक ये हुक या हीट एडजस्टेबल साइड बेल्ट, ये सब नेक्सन में फीचर्स आपको मिल जाएंगे। चलते हैं गाड़ी के फ्रंट सीट पे। मैनुअली एडजस्टेबल हो जाएगी सीट, इलेक्ट्रिक नहीं दिया गया है, मैनुअल है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और डोर को करते हैं बंद। ये साउंड से पता चल जाएगा गाड़ी कितनी स्ट्रांग है। ये ORVM कंट्रोल साइड में, ये डिजिटल मीटर, ऊपर लाइट LED में मिल जाती है आपको। वैनिटी मिरर में आपको मिल जाएगा पैसेंजर साइड में, ड्राइवर साइड में नहीं दिया गया है। ये AC कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक गियर लीवर, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड का, और ये कप होल्डर को कवर कर सकते हैं आप। ये इंटीग्रेटेड है हेड रेस्ट के साथ, दोनों इंटीग्रेटेड है। ग्लोव बॉक्स आपको इसमें कूल मिल जाता है विथ लाइट, और काफ़ी डीप है ग्लोव बॉक्स, अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा ही लगा मुझको। अब चलते हैं इसके कंसोल पे। पूरा डिजिटल कंसोल मिल जाएगा आपको, 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा। इसका टच ओके ही लगा, इतना स्मूथ नहीं है लगा। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वायरलेस नहीं है, वायर से कनेक्ट होगा।
और जहाँ जहाँ पे इसका यूएसबी दिया हुआ है नीचे, वहाँ पे मेरे को लगा कि बहुत कम जगह है, मतलब बहुत ही उसका स्कोप बहुत कम किया हुआ है। ये एक और जो 2021 में चेंज है, यहाँ पे नेक्सन दे दिया गया है। पहले यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल के बटन रहते थे, इसका साउंड स्टेयरिंग पे मीडिया कंट्रोल इधर मिल जाएंगे आपको सारे, क्योंकि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आते, ये वाइपर के कंट्रोल। जो ट्रिप का बटन है वो भी कंसोल पे दिया हुआ है, वो स्टेयरिंग पे नहीं है। ये चीज़ काफ़ी ऑड सी है, स्टेयरिंग पे होता तो अच्छा लगता ट्रिप मीटर का कंट्रोल। कंसोल में लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम का और राइट साइड में फ्यूल और ऑयल का इंडिकेशन दिख जाएगा। टायर के चारों टायर के प्रेशर अपने आप अलग अलग बताता है, अलग अलग बताएगा इंडिविजुअल टायर में कितना प्रेशर है। ये एक अच्छी बात लगी नेक्सन में। Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. City drive mode activated. क्लब बॉक्स बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, तो मैंने सोचा एक बार आपको और डिटेल में बता दूँ इसका। क्लब बॉक्स काफ़ी डीप है और इसमें जो इस तरह के सेगमेंट भी दिए हुए जिसमें आप कप भी रख सकते हैं, और इसमें एक लाइट भी दी हुई है। हारमन के स्पीकर लगे हुए हैं इसमें नेक्सन में, तो इसका एक बार साउंड क्वालिटी आप चेक कर लीजिए। तो ये था नेक्सन से कंप्लीट प्रोग्राम वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।